कि जी मैं जी अपने घर वापस आ गया। ओ भाई, अगर आपने घर ही वापस आना था तो इतने चाहमर ना ऐसो। हम हाँ, आपने अपना वक्त भी ज़ाया किया, पैसे भी ज़ाया किए और बदनामी भी कमाई कि आपने जो कस्में वादे और रैया का ना बदू और इस तरह की चीज़ें जो है ना आपने दरमियान में ला के जो है ना वो आपने अपनी ज़मीर का सौदा किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं हूँ शाह जमील, नार्वे के कैपिटल ओस्लो से। दोस्तों, आपको पता है मेरा ताल्लुक नार्वे से है और नार्वे से ही एक ऐसे शख्स हैं, माजरत के साथ, बड़ी शर्मिंदगी के साथ, जिनका ताल्लुक पीटीआई के साथ रहा था कुछ अर्सा पहले और वो NA21 से जीते भी रोहेल असगर के मुकाबले में। पीटीआई के प्लेटफॉर्म से उनको टिकट मिला, उन्होंने बड़े वादे, कौल और कस्में और हल्फन और रिया का नाम बदू और पता नहीं क्या क्या इन्होंने कहा। और उसके बाद जी एक दिन के बाद ही इन्होंने जनाब मरियम के साथ मिलकर जनाब एक वीडियो रिकॉर्ड की कि जी मैं जी अपने घर वापस आ गया। ओ भाई, अगर आपने घर ही वापस आना था तो इतने चाहमर ना ऐसो। हम हाँ, आपने अपना वक्त भी ज़ाया किया, पैसे भी ज़ाया किए और बदनामी भी कमाई और आप जो है ना वो लॉन्ग टर्म जो है ना आप महा किस्म की बदनामी जो है ना आपके मुकदर में लिखी जा चुकी है। मैं चूँकि ओस्लो में रहता हूँ, मैं कल परसों ही एक महफिल में था और बहुत से लोगों ने मुझसे गिला भी किया कि जी यह चंगे बंदे तुसी रखे ने नाल जी, अगर आपने, आपको पता ही था कि इस तरह के जो एक बंदे हैं जिनको पता ही नहीं है कि जी हमने करना क्या है फ्यूचर में, थोड़ी सी आप पैसों की चमक देख के आप जी बह जाते हैं तो फिर आपको हमें यहाँ पे रखना ही नहीं चाहिए था। तो इसके लिए हम खुद शर्मिंदा हैं, मैं खुद शर्मिंदा हूँ कि आप जैसे लोगों को जो है ना वो टिकट मिली, प्रमोट किया और हम लोगों को वाकई जो है ना वो इसकी आज जो है ना वो वाकई जो है ना वो दुख हो रहा है, तकलीफ़ हो रहा है। और सबसे ज़्यादा यकीन माने कि रंज और दुख इस बात का हुआ है कि आपने जो कस्में वादे और रैया का ना बदू और इस तरह की चीज़ें जो है ना आपने दरमियान में ला के जो है ना वो आपने अपनी ज़मीर का सौदा किया, इस बात की सबसे ज़्यादा तकलीफ़ हुई है। बाकी हमें को आप प्यारे नहीं हैं, ना ही को आपकी कुछ शक्ल अच्छी है, ना ही को काम अच्छे हैं। तो लिहाजा सबसे ज़्यादा जो तकलीफ़ पहुँची है ना वो इस बात की पहुँची है कि आप जो मर्ज़ी करें, टट्ठे खूह में जाएँ, आप जो मर्ज़ी करें हमारी बला से, लेकिन ये सबसे ज़्यादा तकलीफ़ जो है ना इस बात की हुई है। बहरहाल अल्लाह आपको और अच्छी काम करने की हिदायत दे। अब देखते हैं जी कि आप क्या गुल खिलाते हैं और कितनी देर आप इनके साथ चलते हैं और क्या क्या जो है ना वो आपके कारनामे आते हैं। चलें देखते हैं जी, इंशाल्लाह मिलते हैं जी किसी और वीडियोज़ में जी। थैंक यू सो मच जी एंड बेस्ट ऑफ लक वसीम कादर।